बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का राजनीति विज्ञान, क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। बच्चों इसमें एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। क्वेश्चन आपने बोर्ड पर बच्चों देख रहे होंगे, ठीक है। न्यू विश्व व्यवस्था क्या है? व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? हिंदी इंग्लिश मैंने बायलिंगुअल भाषा में लिखा है ताकि आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ सके। दो भाषा में लिखा होता है तो क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आता है और इसका फायदा यह होता है कि आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए तो क्या है न्यू विश्व व्यवस्था? व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? बच्चों न्यू विश्व व्यवस्था क्या है? बच्चों यह एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को उत्तर करने के लिए आपके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए। पहले मैं बेसिक नॉलेज बता दूं। देखो बच्चों, देखिए बच्चों, शुरू से ही रहा है एक सिद्धांत रहा है, जो अमीर होते हैं वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं। ये बच्चों अत्याचार का सिद्धांत, आज ही नहीं आज भी देखते होंगे बच्चों, जो नंगू पंगू देश है उस पर सब चाहता है आक्रमण करके उसके जगह पर कब्जा कर ले बच्चों। तो यह भी कुछ ऐसा ही था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बच्चों, न्यू डील पॉलिसी मैंने बोल दिया, जैसे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब का है, वो अमेरिका के विकास के लिए किया गया था, वो अलग चीज है, तो मैंने मिस्टेक से कह दिया। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बच्चों यह एक ऐसा सिद्धांत है, यह सिद्धांत कहता है जिसमें एक मोस्ट पावरफुल कंट्री जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे अमेरिका बच्चों, यूएसए अमीर राज्य या अमीर राष्ट्र कह लो, एक नंगू पंगू देश पर, एक छोटे कमजोर लाचार या बहुत दुर्बल राष्ट्र पर जब अत्याचार करता है, जब एक मोस्ट पावरफुल देश जैसे यूएसए, पूंजीवादी देश एग्जांपल, एक छोटे से देश पर बच्चों जब अत्याचार करता है, कमजोर देश पर अत्याचार करता है, तो उसे ही कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बच्चों। देखिए होता क्या है, जिसमें इस सिद्धांत के तहत बच्चों जो मोस्ट पावरफुल कंट्री, जैसे मान लो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों, ठीक है, तो वो कमजोर वीक स्टेट पे बच्चों, वीक स्टेट्स पर कमजोर राष्ट्रों पर इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है ना कि उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देता है, उसको समर्पण करने के लिए मजबूर कर देगा बच्चों। हुआ क्या, ये कब आया बच्चों, इसका दौर कब आया, ये भी सवाल एग्जाम में आता है। ये 1991 के बीच में आया था बच्चों, 1990-1991 के बीच में ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था बच्चों। ये तब आया जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, क्या हो गया, डिसॉल्व यानी इसका विघटन हुआ बच्चों। आपको पता होगा 1991 में यूएसएसआर बच्चों डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के बाद एक ही पावर बचा बच्चों, एक ही मोस्ट पावरफुल अमेरिका। आपको पता है बच्चों पहले दो ध्रुवीय होता था, दो पोलर विश्व के, जैसे मतलब जैसे एक विश्व है, मान लो विश्व है तो बच्चों ऊपर में नॉर्थ पोल होता है, नीचे में साउथ पोल, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो तो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार बच्चों विश्व के भी दो ध्रुव थे, तो दो ध्रुवीय सिद्धांत एग्जाम में आता है, दो ध्रुवीय सिद्धांत को लिखिए, सब्जेक्टिव में आएगा। तो दो ध्रुवीय सिद्धांत होता है कि एक पर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। इसी प्रकार बच्चों एक बगल था अमेरिका, एक बगल था यूडब्ल्यूएसआर। यूडब्ल्यूएसआर का फुल फॉर्म बताइए कमेंट में, यूडब्ल्यूएसआर का फुल फॉर्म बताइए बच्चों, यूडब्ल्यूएसआर का फुल फॉर्म, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्व सोवियत संघ रूस। मैं चाहूं तो एक सेकंड बता दूं यूडब्ल्यूएसआर का, बट मैं चाहता हूं कि आपके टिक पर होने चाहिए, नहीं है तो गूगल कीजिए, बताइए ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए बेसिक चीज। देखिए बच्चों तो इसमें हुआ क्या, इसमें न्यू डील बच्चों, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये जो सिस्टम में आया, प्रचलन में आया, फेमस हुआ, ये 1991 के बाद ही हुआ, आफ्टर द डिसॉल्विंग ऑफ यूडब्ल्यूएसआर। जब यूडब्ल्यूएसआर डिसॉल्व हो गया, इसका विघटन हो गया, टुकड़े हो गए, 15 देश अलग अलग टुकड़ों में अपने अपने राष्ट्र में बन गए, कोई नाटो का समूह बन गया, कोई वारसा का समूह बन गया, कोई नाटो मतलब अमेरिका का संघ पहुंच गया, कोई वर्षा सेना का में आ गया, जैसे रूस में आ गया बच्चों।
कोई अलग सिद्धांत अलग ही अपना राष्ट्र बन गया, तो अलग अलग बच्चों तो इसका UWSR इतना पावरफुल नहीं रहा। इसके बाद क्या हुआ, इसका एग्जांपल क्या है सर, एक एग्जांपल से बताइए कि हम समझ जाएं कि सच में अमेरिका ने ऐसे किया। देखिए बच्चों एक एग्जांपल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, आपने सुना होगा घटना इराक का, नाम सुना होगा इराक, इराक IRAQ, क्यू होगा इराक के नहीं, कई लोग के लिख देते हैं IRAQ, इराक बच्चों। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, इराक ने कुवैत पर क्या कर दिया था हमला 1990 में, और कुवैत पर हमला करके कुवैत एक बच्चों तेल, कुवैत जो है वैसे इराक भी तेल के लिए फेमस है, तो कुवैत पर हमला करके उसके जगहों पर कैप्चर कर लिया बच्चों, क्या कर लिया कैप्चर कर लिया, किसने, इराक ने क्या किया, किस पर हमला किया, कुवैत पर, किस पर बोलो कुवैत देश पर बच्चों हमला करके इस जगह पर कैप्चर कर लिया, ठीक है, और बहुत मन मनोवल हुआ, इराक को पहले समझाया गया शांतिपूर्वक कि तुम हट जाओ यहां से, मतलब इसको रिक्वेस्ट करके समझाया गया, बट इराक मानने को तैयार नहीं था, इराक ने शपथ खाया था कि नहीं अब तो हटना है ही नहीं। अंत में क्या किया बच्चों, अंत में जो यूएनओ था, यूएनओ बच्चों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है, हर चीज का हेडक्वार्टर जिनेवा ही नहीं होता है, कई लोग बोलते हैं कुछ चीज का जिनेवा, WTO जिनेवा, WHO जिनेवा, तो जरूरी नहीं कि हर चीज का, बच्चों कमेंट करके खुद बताइए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके बताइए, फीफा फुटबॉल से रिलेटेड एक फेडरेशन है जो वर्ल्ड कप करवाती है, फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है, ठीक है, चलिए तो मैं पूछता रहूँगा ऐसे ही सवाल, नॉलेज बढ़ते रहेंगे आपके, ठीक है, मैं ही देता हूँ जूस, इसका नाम है जू, पता सकते जू जू से, देखिए बच्चों तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर भी हम लोग डील करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या हुआ कि यूएनओ ने मिल करके अमेरिकी सेना को उतार दिया, कहां पर अमेरिकी सेना, वैसे बहुत सारे देशों की सेना आए थे, मुख्य रूप से देखा जाए तो अमेरिकी सेना भी मतलब इस चीज में मौजूद थे और उतार दिया और कुवैत को आजाद करवा दिया, कुवैत के इराक के चंगुल से फ्री करवा दिया, स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद बच्चों हुआ क्या, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड हो गया, स्थापित, और इसमें मुख्य रूप से डोमिनेंस पर, वर्ल्ड पर डोमिनेंस रहा, किसका डोमिनेंस रहा, डोमिनेंस मतलब होता है बच्चों वर्चस्व मतलब आपका दबदबा, आपका प्रेशर, आपका आपका वेटेज, अगर आपका वेटेज है बच्चों, वेटेज मतलब दबदबा, तो आपके चीजों से सब थरथराएंगे, आपके फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपका हर चीज में इंपॉर्टेंस होगा, वो होता है डोमिनेंस, प्रभुत्व, क्या बोलो, प्रभुत्व बोलो, या उसको बोलो वर्चस्व बोलो, या उसको बोलो उसका मुख्य रूप से, समझे हो, तो अमेरिका का डोमिनेंस शुरू हो गया बच्चों। जब अमेरिका का डोमिनेंस हो गया बच्चों, तो अमेरिका आप जानते हैं बच्चों, अमेरिका आप जानते हैं कितना पापी देश है, क्योंकि इसने कई सारे देशों पर आक्रमण किया, जैसे आप एग्जांपल लीजिए वियतनाम पे बच्चों, वियतनाम पर अटैक कर दिया था, एजेंट ऑरेंज आपने सुना होगा नाम, जो कि एक रासायनिक हथियार था जिसे अमेरिका के जंगलों में, अमेरिका ने वियतनाम के जंगलों पर गैलन से गैलन बच्चों हेलीकॉप्टर से लगातार, फिर बात जापान पे देखिए, जापान हालांकि सुपर पावर है, जापान पावरफुल है, जापान और अमेरिका में खूबी यह है कि दोनों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दोनों क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी, एक ही सिमिलरिटी है बच्चों, तो हिरोशिमा नागासाकी बम गिरा दिया, जो अमेरिका शुरू से ही डोमिनेंस करता रहा है बच्चों, अमेरिका शुरू से ही डोमिनेंस करता रहा है, अगर आपको पता हो डोमिनेंस, जब डोनाल्ड ट्रंप थे बच्चों, तो उन्होंने भारत पर सेंसर लगा दिया था कि अगर आप तुम रसिया से कोई सामान खरीदोगे रूस से, तो हम तुम्हें हर चीजों से, देश से अलग थलग कर देंगे, हर चीजों से अलग कर देंगे, मतलब बैन कर देंगे, मैक्सिमम चीजें बैन कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, रोक देंगे तुमको, स्टॉप कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है, दीवार कर देंगे तुमको, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही है, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें मोस्ट पावरफुल कंट्री अपने से वीकर
कमजोर कंट्री पर अत्याचार करते हैं, इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि उसको काम करने को तैयार करना पड़ता है। ये दबदबा बच्चों 1991 के बाद, 1991 के बाद बच्चों, चूंकि देखिए एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कोई भी, चूंकि अब हो सकता है 1991 में हो, ठीक है। तो जैसे आप कोल्ड वॉर आप पढ़ते हैं, कोल्ड वॉर कोई बोलता है 1944, कोई बोलता है 1945, कोई बोलता है 1946, तो ये सब एग्जैक्टली शुरू नहीं होता है। जैसे मान लो बच्चों मुझे फीवर आया, मैं बोल सकता हूँ कि 2 मिनट पहले फीवर आया, अभी फीवर आया, तो एग्जैक्ट नहीं है सब चीज, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दौर इसी से शुरू हुआ, इसके बाद बच्चों ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू विश्व व्यवस्था का दौर शुरू हुआ, समझे बात, जिसमें एक ही मात्र सुपर पावर बच के कौन, यूएसए, कौन बच गया, यूएसए, रशिया के यूरोलेसर के विघटन के बाद, टूटने फूटने के बाद, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, नाम ही है नई विश्व व्यवस्था। तो विश्व व्यवस्था तो हो ही गया, जब पहले दो ध्रुव हुआ करते थे, यूरोलेसर और एक रशिया, यूरोलेसर और एक अमेरिका, बट अभी एक ही विश्व, एक ध्रुवीय बन गया, ठीक है बच्चों। तो यही होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है बच्चों। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मैंने सिंपल भाषा में बताया है ताकि आप समझ सके बच्चों, कोई रटाफिकेशन नहीं, एकदम समझ करके आप इसको लिखिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप इसको पेपर में जरूर लिख पाएंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी मजेदार प्रश्न को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।